तो आज हम लोग खेलने वाले हैं हाउस फ्लिपर। इसमें हमें दूसरे जगह जा जाकर घर की सफाई करनी होगी और पुराने सामानों को बेचकर नए सामान खरीदकर घर में लगाने होंगे। और लड़की हम लोग पहुंच चुके अपने पहले घर की सफाई के लिए। पहले देख लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पे क्या क्या करना है। भाई साहब बहुत ज्यादा काम करना है हमें इस घर में, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं सफाई के, और नीचे लिख कर आ रहा है क्लीन डॉट, और नीचे लिखा हुआ है कि चार जगह की सफाई करनी है, जिसमें से मैंने एक की सफाई शुरू कर दी है और पहले के साथ साथ दूसरा भी मिल चुका है। घर छोटा है या बड़ा मैंने अभी तक चेक नहीं करा है भाई। लेकिन भाई एक बात तो, इस घर में गंदगी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी के लिए तो पैसे हमें मिले है ना। मैंने दो जगह की सफाई कर दी है, तीसरा भी हो चुका है लगभग, तीसरा मैंने कर दिया और भाई हमें चौथा भी मिल चुका है। इसकी मैं सफाई कर लूँ तो आगे क्या करना है वो देखा जाएगा। पहले यहाँ पे चौथा भी हो चुका है और यहाँ पे कुछ लिख के आया था, मैंने उसे स्किप कर दिया। ओके भाई ये ग्रीन हो चुका है और अब हमें कॉरिडोर में जाकर वहाँ पे हाईलाइटेड आइटम को चेंज करना होगा, ठीक है। भाई वो तो लिविंग रूम था, कॉरिडोर कहाँ गया? एक मिनट भाई, यहाँ पे ये दरवाजा चमक रहा है, इसका मतलब मैं कॉरिडोर में ही खड़ा हूँ। ओके एक बात तो मेरी समझ में आ चुकी कि यहाँ का दरवाजा चेंज करना है, ठीक है। ये दरवाजा पुराना हो चुका है शायद, तो दरवाजा खरीदने के लिए हम यहाँ से बाई सेक्शन में जाकर दरवाजा खरीद सकते हैं। यहाँ पे भाई सारे दरवाजे लॉक है, लेकिन यहाँ पे तीन दरवाजा खुला है जिसका प्राइस लगभग 1900 और 800। ओके भाई मैं 800 वाला दरवाजा लगा देता हूँ, ठीक है। चूंकि मालिक ने तो पैसे दिए नहीं और बोला है कि काम हो जाने के बाद रुपए बता दे, इसलिए मैं कम दाम का लगा रहा हूँ और थोड़ा ज्यादा पैसे बता दूंगा, ठीक है। और गाइस मैंने दरवाजा भी चेंज कर दिया और अब हमें बाथरूम में जाकर सफाई करनी होगी। और ये रहा बाथरूम मेरे पीछे। और गाइस हम लोग बाथरूम में एंटर हो चुके और यहाँ पे हमें कचरा दिखाई देने लग गया, इसकी सफाई करते हैं पहले। और एक ऊपर वहाँ पे इसकी भी सफाई कर लेते हैं। और भाई एक ऊपर और है, यहाँ पे गाइस पूरे चार जगह गंदगी है, जिसमें से मैंने दो की सफाई कर दी और तीसरे पे हाथ लगाया है। और भाई चौथी गंदगी कहाँ है इसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो शायद मुझे ढूंढना होगा। भाई वो गंदगी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो चौथी गंदगी? भाई यहाँ विंडो पे शायद होगी, लेकिन नहीं, एक सेकंड भाई यहाँ पे है। और लेट गाइस मुझे चौथी गंदगी भी मिल चुकी है और मैंने इसकी सफाई कर दी है। और अब हमें अपने काम की लिस्ट निकालनी होगी, अगली काम क्या करनी है मुझे कोई आइडिया नहीं है। वेट भाई यहाँ पे लिखा हुआ है बाथरूम में सस्पेंडर रेडिएटर शॉर्ट करना है, ठीक है। वेट भाई यहाँ पे बाथरूम का काम पूरा नहीं हुआ है, कोई ऐसी वस्तु है जो खराब हो चुकी है उसे मुझे बदलना होगा। वेट भाई यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, शायद खाली लग रहा है, यहाँ पे शायद सामान चोरी हो गई है यहाँ की, मुझे मालिक को इन्फॉर्म करना होगा। मालिक नहीं भाई, मेरे बॉस के घर की सामान चोरी हो चुकी है। भाई मालिक थोड़ा भद्दा सब लगता है ना। यस भाई शायद मेरा अंदाजा सही था, क्योंकि यहाँ की सामान चोरी हो चुकी है और यहाँ पे मुझे कुछ नया लगाना होगा। और लेट गाइस मैंने यहाँ की वस्तु खरीद ली है जिसका प्राइस पड़ा मुझे 750 रुपए। भाई साहब इतना महंगा पड़ा ना मुझे, मैं सब मालिक के हिसाब में जोड़ के उसे ज्यादा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे पहले फिट कर देता हूँ और यहाँ से उसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो नट कस दिए, यहाँ पे तीसरा चौथा भी कस दिया और यहाँ से मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस बाथरूम के सारे काम खत्म हो चुके हैं और हमें बेडरूम की तरफ चलना चाहिए, लेकिन भाई उससे पहले हमें लिविंग रूम की तरफ जाना है। तो मैं बेडरूम में बाद में जाऊंगा, पहले लिविंग रूम में चलते हैं। और यहाँ पे हमें तीन जगह की गंदगी साफ करनी होगी। और आते ही आते मुझे डाइनिंग टेबल पे एक पहला मिल चुका है और भाई दूसरा मुझे कहाँ मिलेगा? वेट भाई यहाँ पे है। भाई एक बात तो है कि इस लिविंग रूम में कुछ ज्यादा गंदगी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ का काम जल्दी खत्म करके घर की तरफ जाना चाहता हूँ। और भाई एक सेकंड, मुझे तीसरी गंदगी कहीं मिल नहीं रही है। इसके बाद मुझे बेडरूम में जाना होगा साफ करने के लिए। ओके तो मुझे तीसरी गंदगी भी मिल चुकी है, मैं फटाफट इसकी सफाई कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस अब यहाँ की सफाई पूरी हो चुकी है और अब हम जाने वाले हैं बेडरूम में। ओके गाइस तो अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ और हम आ चुके हैं लिविंग रूम से बाहर। वेट भाई ये बेडरूम कहाँ है? बेडरूम मुझे नहीं मिल रहा। ओके भाई ये बेडरूम रहा, तो हम लोग फटाक से इसके अंदर इंटर हो जाते हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही गंदगी साफ करनी है। और भाई यहाँ पे दीवार भी फूटा हुआ है, शायद इसकी भी प्लास्टर करनी होगी हमें। वेट भाई प्लास्टर बाद में करेंगे, लेकिन अब गंदगी दिखने का नाम ही नहीं ले रहा। वेट भाई वहाँ पे ऊपर, ओ भाई साहब इतना ऊपर है ये गंदगी। ऑलराइट गाइस मैंने इसकी भी सफाई कर दी और हमें दूसरी गंदगी खोजनी होगी। और भाई ये दूसरी गंदगी मिलने का नाम ही नहीं ले रही, इसके बाद मुझे फिर से बेडरूम में ही काम है। वेट भाई यहाँ पे रही ये गंदगी, कितना नीचे है भाई, एक ऊपर एक नीचे, आदमी कंफ्यूज हो ही जाएगा ना। तो भाई मैंने कर दिया रूम की सफाई और अब हमें करनी है प्लास्टर दीवार की। तो इसके लिए पहले हमें चाहिए होगा सीमेंट या फिर वाल पुट्टी, तो मैं यहाँ से सीमेंट खरीद लेता हूँ, ठीक है। और भाई इस गेम में सीमेंट 300 में मिल रहा है, वो भी एक बाल्टी में, तो इसका भी प्राइस मैं मालिक से कुछ ज्यादा ही लूंगा, ठीक है। ओके गाइस तो प्लास्टर के लिए हम इसे कुछ मसाला निकालेंगे और इसे दीवार पर पोत देंगे, और ये जैसे ही दीवार पर पोताएगा ना हमारा काम डन हो जाएगा। ऑलराइट गाइस हमें मिल चुके हैं यहाँ पे कुल 3500 रुपए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय सी यू।